तो दोस्तों, आप भी नए यूट्यूबर हैं तो आपकी वीडियो वायरल करने के लिए सबसे जो मेन भूमिका होती है वो आज के दौर में जो है थंबनेल्स की भूमिका होती है। क्योंकि जितने आपके थंबनेल्स पे क्लिक आएंगे, मतलब थंबनेल्स आप जितना अच्छा बनाओगे, जितना HD में बनाओगे, उसी से आपके व्यू आते हैं। क्योंकि जो भी बंदा आपका थंबनेल्स देखेगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा, तभी वो आपकी वीडियो देखेगा कि क्या है वीडियो में। जो इतना थंबनेल्स अच्छा बनाया तो उसी तरीके से वो देखेगा वीडियो को। तो इसीलिए आज की वीडियो होने वाली है जो आपका फुल HD थंबनेल्स होता है वो कैसे बनाते हैं, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और मैं आपको बताने वाला हूँ फुल एच डी थंबनेल्स कैसे बनाते हैं अपनी वीडियो के लिए। तो मैं बनाने वाला हूँ पिक्सल लैब से अपने मोबाइल फ़ोन में। तो आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मैं इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। फ्री ऐप है बिल्कुल। तो इसमें बनाना सीखते हैं अपना थंबनेल्स यूट्यूब के लिए। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसका कुछ इंटरफेस ऐसा आता है। अब इसमें आपको जो टेक्स्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रही होंगी, मेरी 3 डॉट। तो आपको थ्री डॉट पे चले जाना है। ये 3 डॉट पे हम चले गए। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इमेज साइज, ये दिख रहा होगा आपको इमेज साइज़ पे क्लिक कर देना है। इमेज साइज़ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा कस्टम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको YouTube थंबनेल्स। अब YouTube थंबनेल्स पे क्लिक कर देंगे तो ये अपना थंबनेल्स की जो भी रेजिएशन होती है, जो भी होता है, वो अपने आप ले लेगा, हाइट वेट ले लेगा। तो इस पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी आगे थंबनेल्स का पूरा साइज़, ये आपके थंबनेल्स पे पूरा परफेक्ट बैठेगा। अब इसको करना है एडिट और बनाना अपना थंबनेल्स HD में। तो इसके लिए आपको जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। डिलीट करने के बाद इसका बैकग्राउंड का कलर लेना है। जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है सारा हरा और पीला, इसको हम कैसे मर्ज करते हैं, मतलब मर्ज करना हो गया और कुछ भी मान लो, तो ये दिख रहा है इसका बैकग्राउंड। अब इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, चाहे आप यही बैकग्राउंड रहने दे सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे चेंज करना है। तो चलिए इसके लिए आपको जाना होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इधर ये सर्कल दिख रहा है, इसमें आपको इस पर चले जाना है। ये डबल भी दिख रहा है, आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ से कलर दिख रहा होगा, कलर पर क्लिक कर देंगे आप। कलर पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा कलर ग्रेडिएंट। तो आपको ग्रेडिएंट पकड़ कलर पर नॉर्मल होता है, वाइट येलो जैसे भी करना चाहो, ग्रेडिएंट पे ऐसा होता है डबल कलर। तो हम इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे। हमें प्लस का आइकन क्लिक कर दिया हमने। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे हम इधर स्टार्ट करेंगे कलर हल्का गाढ़ा होता जाएगा। तो वो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। इसमें और दूसरा कलर कैसे ले सकते हो आप, तो आपको दिख रहे होंगे एक यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये गाढ़े के लिए, हल्के के लिए। तो पहले हल्के पे क्लिक करेंगे और इधर से बाल्टी पे क्लिक करके हम ले लेंगे कलर जो भी हमें लेना है। तो मैं ब्लू ले लेता हूँ यहाँ से, ये ले लिया ब्लू, हल्का ब्लू ले लेते हैं, ये कर लिया हल्का ब्लू, इस पर कर दिया डन। अब इसके बाद दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, दूसरे वाले पे क्लिक करके फिर बाल्टी पे क्लिक करेंगे और इधर से ले लेना हमको डार्क ब्लू। जैसा भी आप कलर करना चाहते हो कर सकते हो, मैं तो आपको बता रहा हूँ वो आपके अकॉर्डिंग है, जैसा भी करना चाहो। इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं ऐसे रहने, देखो अब हल्का गाढ़ा दिख रहा है आपको। जोन से एरो पर क्लिक करोगे वहाँ से वो सर्कुलेस हो जाएगा, देखो। तो मुझे थोड़ा यहाँ पे हल्का कर देता हूँ, यहाँ से एरो ले जाके इसको इधर कर देते हैं थोड़ा, बस इसके बाद कर देते हैं ओके। ये होगा बैकग्राउंड आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देने इसमें जो शेप दे रखा है मैंने आपको, वो शेप देना है। उस शेप कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। शेप देने के लिए आपको क्या करना है, सीधे जाना है प्लस के आइकन पे। जो भी काम होगा इस प्लस के आइकन से होगा ज़्यादातर, ठीक है। तो इसको प्लस के आइकन में क्लिक करने के बाद अब आपको दिख रहा होगा शेप, शेप्स पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप कर दोगे, ये शेप्स आ गए आपकी, प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे शेप पे क्लिक कर दोगे। शेप पे क्लिक करने के बाद ये आ गई आपकी शेप। अब इस पर कर देंगे हम ओके। ओके करने के बाद अब इस पर आपको दिख रहा होगा इधर ऑप्शन आ रहे हैं, इसको नीचे करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे, बाजू में दिख रहा है आपको गोला। इसके बाद नीचे करेंगे, जो भी आप इसको कलर देना चाहे वो कलर दे सकते हो, बट हमें तो शेप चाहिए ना, इसकी टेढ़ी मेढ़ी शेप करनी है। तो इसमें जाएंगे इरेजर में, इरेजर में जाने के बाद अब आपको करना है इस पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद ये क्लिक कर दिया हमने,
अभी जैसे क्या करना है आपको, ऐसे करके ऐसे जैसा भी आप सेव करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। इसको ले जाके ऐसे घुमा देना है, ऐसे करके करने के बाद अब आपको कर देना है इस वाले पे क्लिक, इस वाले पे, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर दिया हमने, ये कटेगी सेव। अब इसके बाद कर देना है ऐसे राइट, ये आगे सेव। अब इसके बाद इसको कर लेना बड़ा, बड़ा करने के बाद यहाँ पे फिट कर देना जैसा भी आप करना चाहते हो। बढ़िया लग रही है सेव। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा कलर सेव को, ये हमने कर लिया यहाँ से, इसी में से जो भी काम होगा इसी में होगा। इसके बाद कलर कर लेते हैं, ये कलर का ऑप्शन आ गया, अनेबल कर देते हैं। इसके बाद ले लेते हैं रेड, रहने दें जो सा भी आप करना चाहते हो। मैं ले लेता हूँ यहाँ से येलो, येलो बढ़िया लगता है, अट्रैक्टिव होता है, येलो ले लिया हमने। इसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद इसको थोड़ी सेप देते हैं नीचे, देखते हैं शैडो बनाते हैं, इसकी शैडो बना देते हैं। ये लिखा गया शैडो, शैडो पर क्लिक करके इसको अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद इसको जितना भी आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। तो मैं इतना रहने देता हूँ, इसको इतना बढ़िया लग रहा है, इसको हल्का गाढ़ा भी कर सकते हो आप, तो मैं इतना रहने देता हूँ। ये कर दिया मैं डन, ये हो गया हमारा सेप तैयार। इसके बाद हम लगा लेते हैं अपनी फ़ोटो, जो हमने फ़ोटो डाउनलोड करी है अपनी बना के, वो पहले फ़ोटो लगा लेते हैं। प्लस का अपने क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा फ्रॉम गैलरी, गैलरी पे क्लिक कर देंगे। गैलरी पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके फ़ोटो होंगे वो दिख जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने जो डाउनलोड कर रखे हैं मैं इधर से ले लेता हूँ, पिक्चर में जाके जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं वहाँ पर ले जा रहा हूँ। व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट पे जाके ये मैंने डाउनलोड कर रखा है अपना PNG में बना के। इसका बैकग्राउंड सफ़ा कर रखा है, तो आपको क्या करना है, अगर बैकग्राउंड सफ़ा करना है तो आपको जाना है रिमूव। तो बैकग्राउंड क्लीन करने के लिए भी मैं वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके बैकग्राउंड क्लियर कर सकते हो। और मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा जिसमें आप देख सकते हो कैसे रिमूव करना है अपना बैकग्राउंड, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं हम, इसको जितना भी करना चाहते हो अपना ले सकते हो। इसके बाद डन करने के बाद इसको एडजस्ट कर देना है, आप यहाँ से एंडू कर देते हैं, यहाँ से एंडू भी हो जाता है, ऐसे ऊपर चला गया तो इसको हम एंडू भी कर सकते हैं। ये दोबारा आ जाएगा, ये आ गया, इसको कर लेते हैं पहले सेव को एक जगह करते हैं। इस पर क्लिक करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करने के बाद ये ला आ गया, जितना बड़ा छोटा करना चाहते हो इधर लगा दो, हो गया फिक्स। फिक्स होने के बाद अब इसको करना है हमको सेव। अब इसके बाद हमको लेनी है एक और सेप, तो हम जाएंगे प्लस के आइकन पे, सेप पे क्लिक करेंगे। सेप्स पे क्लिक करने के बाद इसको सेप को कर लेंगे लंबा, क्योंकि हमको यहाँ पे हेडिंग लिखनी है। इतना लंबा करने के बाद इसको हम कर देंगे डन, चाहे पहले कलर भी देते हैं, इसे कलर कर लेते हैं हम, इसको रेड कलर कर लेते हैं, इसको रेड, बिल्कुल बिल्कुल रेड। हमने कर लिया रेड, डन कर देते हैं, ये होगा डन। अभी देखो आगे आ रहा है इसके, तो इसको पीछे करने का क्या तरीका है, इसको ओके कर लिया हमने। इसके बाद जाएंगे हम, ये दिख रहा होगा आपको इसके बाजू में ये लेयर्स, तो लेयर्स पे क्लिक कर देंगे। लेयर्स पे जाने के बाद अब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दबाए रखेंगे और इसके नीचे ले आएंगे कैच के, तो ये आ गया। अब जितना आपको सेव करना है हम कर लेते हैं इतना, और इसके बाद कर देते हैं यहाँ पे लॉक, ये लॉक, ये लॉक, ये लॉक। अब ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, देखो कहीं भी। अब इस पर लिखना है हमको थंबनेल्स, तो हम लिख लेते हैं इस पर थंबनेल लिख लेते हैं। ये हमने दे दिया टेस्ट, टेस्ट पर आने के बाद इधर लिख लेते हैं अपना टेस्ट, जो भी हमको लिखना है हमें थंबनेल से लिखना है, थंबनेल लिख लेते हैं यहाँ पे। जो भी आपकी हेडिंग हो वो लिख देना, ये लिख दिया थंबनेल। इस पर कर देंगे डन, इसको बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे सीधा, जितना आप बड़ा करना चाहो इसकी लैंग्वेज के लिए। जैसे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो इसके ए आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ए आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फॉन्ट का, क्लिक कर देंगे फॉन्ट पे, जो सा आप फॉन्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मैं ये वाले ले लेता हूँ बोल्ड वाला, ये कर दिया बोल्ड, इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा, बढ़िया लग रहा है। इसके बाद आप जिस जौन सा भी कलर देना चाहो इधर से कलर दे सकते हो, इसको इसको और बोल्ड कर देते हैं यहाँ से, ये रहा कलर, इसको भी ये यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हो जौन सा भी देना चाहो, बट मैं सफ़ेद ही रहने देता हूँ, इसको सफ़ेद ही बढ़िया लग रहा है। इसके बाद इसको भी शैडो दे देते हैं थोड़ी, ये हमने शैडो दे दी यहाँ से, ये आ गई
और डार्क कर दें थोड़ा, बस ये आ गया थंबनेल लिखा हुआ। अब इसके बाद इसको भी हम लॉक कर देते हैं यहाँ से, लेयर पर जाके लेयर कर दिया हमने लॉक। लॉक ज़रूर कर लेना फटाफट, क्योंकि अगर हिलेगा नहीं फिर आपका एक जगह सेट हो गया तो हो गया फिर वो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नीचे ले लेते हैं एक और शेप। इसके लिए हम जो डाउनलोड कर रखी है हम वो वाली शेप लेते हैं, गैलरी में जाएंगे। ये वाली जो शेप से मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लेना आप। ये देखो ये शेप, तो मैं ले लेता हूँ ये वाली, इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये आ गई, अब इसको कर देना डन। अभी आपको दिख रहा होगा ऐसा सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है, तो इसको कैसे हटाएंगे? इसके लिए हम जाएंगे यहीं इन्हीं पार्ट्स में, तो इन पार्ट्स में हमको जाना है। इस पर क्लिक कर दिया हमने, इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको देखा होगा इरेज कलर, इरेज कलर पर जाने के बाद इसको कर देंगे डन। इसको अनेबल कर देंगे, अनेबल करने के बाद इसको कर देंगे फुल, फुल करने के बाद इसको कर देंगे ओके। अब देखो ये आ गया ना, ये इसको रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो, ये कर दिया रोटेट तो ऐसा सही लग रहा है, ऐसे कर देते हैं इसको, डन कर दिया। इसका साइज़ वाइज बढ़ा सकते हो। अब इस पर हम लिखना है मोबाइल से, तो इस पर टेस्ट पे गए हम, टेस्ट पे क्लिक, फ़ोन से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कर दिया फ़ोन से, लिख लिया। अब इस पर इधर रख देंगे इसको, इधर रखने के बाद अब आप इसको भी फ़ोन दे सकते हो, जौन सा देना चाहो। ए पे क्लिक करेंगे, ए पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फ़ोन पे आ गए, फ़ोन पे जौन सा भी आप देना चाहते हो वैसे दे सकते हो। तो मैं यही वाला देता हूँ, बोल्ड वाला देता हूँ, चाहिए वाले देते हैं। ये दे दिया हमने, देने के बाद इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इसको हम कलर देते हैं, कलर कौन सा देते हैं? ये आ गए हम कलर पे, ये आ गए कलर पे, कलर कौन सा दें? कलर दे देते हैं इसमें येलो दे दें, येलो दे देते हैं, येलो बढ़िया, येलो हमने कलर दे दिया। अब इसके ऊपर जो हमने फ़ोटो लगाए हैं वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमको क्या करना है, पहले लेनी है शेप, ये हमने ले ली शेप्स, एक शेप्स ले ली। अब इसके बाद इसको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो रोटेट हो जाएगा, गोल हो जाएगा, थोड़ा सर्कल में हो जाएगा। तो इस पर सर्कल पर ओके करके ये कर लिया, इसका साइज़ कर लेंगे इतना, जैसा भी आप करना चाहो, इसको कम कर लेते हैं थोड़ा, इतना कर लेते हैं। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे, इधर से हम कर लेंगे एक दो, दो कॉपी कर लेंगे इसकी, यहाँ पे कर देंगे इसको, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, तीनों को यहाँ पे कर दिया हमने। ऐसा करने के बाद अब इसको क्या करना है, अब इसमें हमको डालनी है पिक्चर, जो हमने पुराने थंबनेल्स बना रखे होंगे उसकी पिक्चर डालनी है। तो क्या करेंगे, इसमें क्लिक करके इस पर इसके बाद जाएंगे, अब आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन दिख रहा होगा टेस्टर, टेस्ट पे क्लिक करने के बाद इसके बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपको देनी हो इसमें वो थंबनेल्स दे सकते हो आप, जैसे मैंने पहले थंबनेल्स बताए बनाए उसको मैं डाल देता हूँ, तो ये वाला डाल देता हूँ, देखो ये हो गया। उसके बाद ओके कर देंगे इस पर, तो ये आ गया ना। अब ये क्या करना है, इस पर एक और बार क्लिक करने के बाद इसको जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इसको अनेबल कर देना, तो इसमें क्या होगा ये फिक्स हो जाएगा, इसमें देखो पूरा फिट बैठ जाएगा। इसके बाद कर देंगे डन। इसके बाद इस पर भी और देना आपको, तो ऐसे करेंगे, इस पर क्लिक करके टेक्सचर पे जाएंगे, फिर सेलेक्ट कर देंगे पिक्चर, इसके बाद जौन सा भी आपको देना हो तो वो दे सकते हो। तो मैं दे देता हूँ ये वाला, दे देता हूँ ये, दे देता हूँ, इस पर क्लिक कर देंगे, इसको भी फिर से टेक्सचर पे जाके फिर इस पर अनेबल कर देंगे, ये हो गया। अब इसका तीसरा दे देते हैं, तीसरा भी टेक्सचर पे जाके फिर सेलेक्ट करेंगे पिक्चर, सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं एक और वो दे देता हूँ, अपना वाली दे देता हूँ, ये दे दिया, ये हो गया। इसके बाद फिर टेक्सचर पे जाके फिर इसको इनेबल कर देंगे, तो ये हो गया हमारे थंबनेल्स के एडिटिंग। ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर जो रस्सी लटक रही है वो कैसे लटक रही है वो मैं आपको बताता हूँ। हम जाएंगे ड्रॉ पे, ड्रॉ पे जाने के बाद अब हम कर लेंगे रस्सी, ऐसी शेप बना लेंगे ऐसे करके, जैसी भी आपको बनानी हो, मैं ऐसी बना लेता हूँ ऐसे करके, ये ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको कर देंगे ओके, और इसका साइज़ कर लेंगे थोड़ा छोटा। ठीक है दोस्तों, और इसकी भी कर लेंगे एक दो, इसकी भी तीन कॉपी कर ली हमने, और इसको लगा देंगे यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। और हमको क्या करना है इसके बाद, ये ऊपर दिख रहे हैं तो हमको क्या करना है इसके बाद, इसमें जाना है हमको, फिर लेयर्स पे जाना है, लेयर्स पे जाने के बाद इसको सबसे नीचे ले जाना है, सबसे नीचे रख देंगे, इधर रख देंगे, इसको भी सबसे नीचे रख देंगे, क्लिक करेंगे नीचे नीचे नीचे
नीचे करेंगे, तो देखो अभी सारे नीचे आ गए ना, और इनको सबको लॉक कर देंगे, क्योंकि लॉक करना ऐसा रहता है कि आप जो भी एडिटिंग करेंगे वो हिलेगी नहीं। तो ये हमने एडिट कर दिए सारे, और देखो इसके नीचे आ गए, फ़ोटो के नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये इसके नीचे आ गए ना। अब ऐसे ही करना है आपको, ये हो गया थंबनेल्स तैयार। अब इधर लिखना है आपको 2 मिनट में, तो इधर लिख लेते हैं 2 मिनट्स। इधर जाएंगे हम टेस्ट पे, टेस्ट पे जाने के पहले इस पर क्लिक करके इधर लिख देंगे ओनली टू मिनट्स। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिख दिया 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। इधर क्लिक, ये रहा। अब इसको दे देंगे हम जैसे भी आप देना चाहते हो, टेस्टर दे देंगे, कलर दे देंगे। तो हम पहले इसको दे देते हैं फॉन्ट साइज, ये हम इसको करते हैं बोल्ड, ये बोल्ड कर दिया हमने, बोल्ड हो गया। इसके करने के बाद हम इसको दे देंगे कलर, कलर कौन सा दे दें, कलर इसको दे देते हैं ब्लैक, ब्लैक सी है, ब्लैक कलर बढ़िया लग रहा। अब इसके बाद इसके ओके करने के बाद इसको भी शेडो दे देते हैं, थोड़ी शेडो दे देंगे, शेडो दे देंगे इसमें रेड, ये दे दिया हमने रेड शेडो। रेड शेडो देने के बाद स्ट्रोक भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा मोटा हो जाएगा ये, बट जो आप वो तो अपनी इच्छा से कर सकते हो, आप जैसा भी करना चाहो, मैं आपको बता रहा हूँ, और एडिटिंग आप बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, हमारा हो गया डन। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे खाली खाली लग रहा है कुछ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे खाली खाली लग रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसी में जाएंगे, इसके बाद करेंगे फ्रॉम गैलरी। गैलरी पे जाने के बाद जो हमने PNG डाउनलोड कर रखी हैं, PNG में से कुछ डाल देते हैं इसमें, तो मैं डाल देता हूँ यूट्यूब, ये ले लिया यूट्यूब। ऐसे ही करना, यूट्यूब पे क्लिक करके इस पर चले जाना है, इस वाले आइकन पे, उसके बाद जाना है इरेज कलर पे, इसको अनेबल कर देना है, और इसको हाई कर देना है। हाई कर दो चाहे कम रहने, थोड़ा किसी किसी में हाई मांगता है, किसी में कम मांगता है, तो इसको कम करके यहाँ पे कर देंगे। देखो यहाँ पे कुछ बढ़िया लग रहा है ना। तो ऐसे आपका यूट्यूब का थंबनेल्स एकदम तैयार हो जाता है बिल्कुल। अब इसको क्या करना है आपको, अब मेन काम जो रह गया वो रह गया इसका सेव करने का। सेव करने के लिए आपको HD में करना होगा ये, तो HD में एक आपको रेशियो बताता हूँ, क्योंकि इसमें आप सेव करने के लिए जाओगे तो 3 डॉट पे क्लिक करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट इमेज दिख रहा होगा, एक्सपोर्ट इमेज पे जाओगे आप तो यहाँ से आपको दिख रही होगी क्वालिटी, कस्टमाइज पे आपको दिख रहा होगा अल्ट्रा, तो अल्ट्रा में कितनी आ रही है आपकी, इधर देखोगे तो अल्ट्रा में आपकी आ जाती है, रेशियो आ जाता है उसमें कुछ। ठीक है, तो मैं आपको एक रेशियो बताने वाला हूँ जिससे आपकी एकदम परफेक्टली तरीके से सेव होगी ये। ठीक है, तो आप देखते हैं, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से दे देंगे हम, तो हमको दोस्तों इसमें दे देनी है, यहाँ पे लिखना है, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ मैं, इसमें लिखना 76 80, और दूसरे वाले में लिखनी है हमें 43 20। ठीक है दोस्तों, ये लिखने के बाद इसको डन कर देंगे, इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे क्लिक, ये आपको दिख रहा होगा सेव टू गैलरी, गैलरी में सेव कर देंगे इसको, डन कर देंगे इस पर, डिटेल देखेंगे, डिटेल में देखो 76 80 43 20 पिक्सल। ठीक है, तो अब इसकी देखो क्वालिटी, जूम करता हूँ मैं इस पर, एम पे देखो कितना जूम हो रहा है, वो बिल्कुल देखो फट नहीं रहा, देखो कितना जूम हो रहा है, ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो नॉर्मल अल्ट्रा में सेव होती है वो वाला फ़ोटो, तो ये मैंने अल्ट्रा में सेव करा था, इसकी क्वालिटी देखो, इसकी क्वालिटी देखो 32 64 है। तो इस पर क्लिक करके हम जूम करके देखते हैं एम पे कितना जूम होगा, ये बस इतना जूम होगा। तो इससे प्रॉफिट क्या होता है, जो आपकी थंबनेल्स किसी LED पे जाता है चाहे किसी बड़ी स्क्रीन पे जाता है, तो आपका जो थंबनेल्स है वो फटता नहीं है, ऐसा चीज़ होती है इसमें। जो मेरे रेशियो से आप वो करोगे डाउनलोड, तो उससे आपका हर LCD पे बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे फटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में यही था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना, और अगली वीडियो के लिए बनाते हैं अगली वीडियो जल्दी, तो उसके लिए भी आप बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी फटाफट, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड इस पर वीडियो डालता रहूँगा,
अनबॉक्सिंग भी करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी नई न्यू यूट्यूबर हैं सारे मेरे से जुड़ जाओ, आगे अपने को काम करना है और यूट्यूब से पैसा भी कमाना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।